मुजफ्फरपुर जिला स्कूल में बनेगा मैट्रिक इंटर परीक्षा का स्ट्रांग रूम, फरवरी में आयोजित होगी परीक्षा। डीएम ने सभी व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर में महिला ने आग लगाकर किया आत्महत्या। फोन नहीं उठाने पर पति से हुआ था विवाद। 8 साल पूर्व हुई थी शादी, 2 बच्चों की मां थी। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बनेगी नई नियमावली। बिहार में इस बार 3 ईवीएम से होंगे चुनाव। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा भी तय की जाएगी। लालू की पार्टी की लड़ने वाली 16 से 18 सीटों में अब तक 5 पर उम्मीदवारों के नाम आगे। मुजफ्फरपुर में शंभू सिंह और दिनेश सिंह के बीच मुकाबला। सरकारी कर्मी अब सिर्फ 3 बार प्रतियोगी परीक्षा दे सकेंगे। सरकारी कर्मियों के लिए परीक्षा देने की तय हुई सीमा। कर्मचारी संघ ने फैसले को बताया गलत। खगड़िया में सड़क हादसे में 2 की मौत। अज्ञात वाहन ने NH31 पर 2 बाइक सवार को मारी टक्कर, दोनों की गई जान। बिहार के नालंदा में शराब पीने से 6 की मौत। परिजन बोले रात में शराब पीकर सोए थे, अचानक तबीयत बिगड़ी और जान चली गई, 2 गंभीर। पटना सिटी में व्यक्ति का शव बरामद। शुक्रवार शाम से ही था लापता, 1 दिन बाद तालाब में पड़ा मिली लाश। बीपीएससी ने निकाली नए साल की पहली वैकेंसी। सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन विकास पदाधिकारी के 286 पदों पर मांगा आवेदन, 10 फरवरी तक मौका। कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का पीटी 29 जनवरी को। बीपीएससी ने जारी की तिथि, 21 जनवरी तक कर सकेंगे आपत्ति, 7 दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड। पीक की तरफ कोरोना के बीच लोगों की लापरवाही देखिए। मास्क नहीं लगाने के तरह तरह के बहाने बना रहे लोग। जुर्माना दे रहे लेकिन नहीं लगा रहे हैं मास्क। नौ स्वास्थ्य कर्मी व 7 रेल कर्मी कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में 5,251 लोगों का लिया गया सैंपल। स्वास्थ्य व रेल कर्मी समेत 198 संक्रमित। गोपालगंज में बदमाश ने दुकानदार को मारी चाकू, 200 रुपए मांग कर कहा गूगल पे करता हूँ, बाद में देने से मुकरा, विवाद में किया घायल। बिहार म्यूजियम के पीछे मिली शराब की 31 बोतल। भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले खाली बोतल ही तो मिली, पीते तो नहीं पकड़ाया। नालंदा में 2 गांव के बीच गोलीबारी में 1 घायल। किराना व्यवसायी के पुत्र को गर्दन में लगी गोली, जख्मी हाल में PMCH रेफर। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल के 2 वाहनों ने पाया काबू। समस्तीपुर में स्कॉर्पियो बाइक की टक्कर में 1 की मौत। बाइक पर थे 2 युवक, स्कॉर्पियो ने सामने से मारी टक्कर, 1 की मौके पर ही मौत। बेतिया जिले में 44 कोरोना संक्रमित मिले, आंकड़ा 523 पर पहुंचा, फिर भी लापरवाही जारी। अनदेखी की हद पार तिरहुत नहर पर माहीपुर भतौड़ा के पास 40 सालों से है बिना रेलिंग का पुल, हर माह हो रहे हादसे। बच्चों के वैक्सीनेशन में संक्रमण बना बाधा। पटना में फ्लू और सर्दी बुखार के कारण बच्चे नहीं ले रहे वैक्सीन, अब चलेगा टीका एक्सप्रेस। बिहार में कोरोना को भगाने के लिए हवन। मुजफ्फरपुर में लोगों ने कहा मेडिकल साइंस नए वेरिएंट से लड़ने में असमर्थ, पूजा ही सहारा। मुंगेर में युवक की पीट पीट कर हत्या, 4 बच्चों की मां ने प्रेमी को मिलने बुलाया, अचानक आ गया पति, हाथ पैर बांधा और मरते दम तक पीटा। समस्तीपुर में 42 बच्चे समेत 318 कोरोना संक्रमित। दल सिंह सराय सहित समस्तीपुर के कई क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव। समस्तीपुर में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर का बिगड़ा बैलेंस, कार सवार 4 लोग जख्मी। सावधान आंकड़े दिखाकर राह दे रहा प्रशासन, दूसरी लहर में 1 दिन में सबसे अधिक 3,25,000 एक्टिव केस, तीसरी में 14,000 से आगे नहीं बढ़ा। बेगूसराय में पुलिस ने अपराधी को किया गिरफ्तार, 3 दिसंबर को महिला कॉलेज के सामने हत्या को दिया था अंजाम, कई मामलों में है आरोपी। जहानाबाद में शराब कारोबारियों ने पुलिस पर किया हमला, घर में घुसी महिला, SI को लाठी से हमला, आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब माफिया ने वार्ड सदस्य समेत परिवार को पीटा, नवादा में शराबबंदी कराने गया था, वार्ड सदस्य पिटाई के बाद 4 लोग अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में भिड़ंत, 2 गिरफ्तार, गाँव में तनाव जारी, 2 थानों की पुलिस कर रही है कैंप, मुखिया चुनाव से है विवाद। शेखपुरा में 5 लोगों की बची जिंदगी, चलती कार में लगी आग, कार सवार 5 लोगों को ड्राइवर ने निकाला बाहर, ग्रामीणों ने की मदद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।